आज हम बात करेंगे सैमसंग के अपकमिंग फ़ोन के बारे में जो कि M51 5G है। इसके जो कि कुछ लीक्स निकल के आ रहे हैं इस फ़ोन के, जो कि फ्यूचर इसमें जो है, बात करेंगे क्या क्या चीज़ इसमें रहने वाला है, फ़ोन का लुक कैसे रहने वाला है, इसका डिज़ाइन कैसे रहने वाला है। H51 अभी H34 लॉन्च किया था सैमसंग, जो कि अब लॉन्च करने जा रहा है M51 5G। देखते हैं इसका जो है कैसा लुक रहने वाला है, क्या चीज़ प्रोसेसर दिया है। इस वीडियो में जानिएगा जरूर, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसमें प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, जो कि Exynos 1380 दिया गया है, जो कि H51 5G में दिया गया है। मस्त सा प्रोसेसर रहने वाला है। M51 H51 जो है प्रोसेसर एकदम सेम ही दिया गया है, लेकिन जो है क्वालिटी एकदम मस्त से अलग किया गया है M51। रियर कैमरे की बात कर लेते हैं, जो कि ट्रिपल कैमरा इसमें सेटअप दिया गया है। 108 मेगापिक्सल का इसमें जो है वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा दिया गया है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया, और तीसरा इसमें 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा दिया गया। फोटो एकदम से मस्त रहने वाला है। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, अभी तो OIS के साथ, जो कि फोटो मस्त से आने वाला है, वीडियो भी इसमें क्लियरिटी बनेगा। और जो है अगर आप लोग वीडियो वीडियो सब बनाने वाले हैं, तो ये वीडियो के लिए कैमरा जो है बहुत ही गजब है। कैमरा फ़ोन एकदम से मस्त से फ़ोन है। आप लोग वीडियो बनाने और वीडियो वीडियो सब बनाते हैं, तो ये फ़ोन आप लोगों को बाय करना चाहिए, बहुत ही गजब है, एकदम से मस्त से रहने वाला है। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आप लोगों को मैं बता दिया, जो कि OIS के साथ आने वाला है ये फ़ोन। फ्रंट कैमरे की बात कर लें, जो कि 32 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा दिया गया। बैटरी की बात कर लें, जो कि 6000 mAh की बैटरी रहने वाली है, 2 दिन की लाइफ टाइम मिलेगी, मस्त से चलने वाला है। F14 की तरह इसमें भी दिया गया है 5G सेट रहने वाला है। 6000 mAh की बैटरी दी गई है। सैमसंग वाले 6000 mAh की बैटरी पढ़ाने लगे हैं, और जो इसमें 25W का फास्ट चार्जर दिया गया। देखना है कि बॉक्स में चार्जर रहने वाला है कि नहीं, 25W का एडाप्टर रहने वाला है कि नहीं, डाटा केबल तो इससे रहेगा ही, लेकिन देखते हैं एडाप्टर रहने वाला है कि नहीं। और इसमें जो है डिस्प्ले की बात कर लें, जो कि सुपर एमोलेड प्लस दिया गया, जो कि बहुत ही गजब है, मस्त सा एकदम लुक रहने वाला है इस फोन का। 6.7 इंच का डिस्प्ले रहने वाला है, 120Hz का रिफ्रेश रेट आने वाला है, जो कि बहुत ही गजब है। फोन का लुक एकदम से मस्त रहने वाला है, और जो आप लोग देख ही सकते हैं इसका फोन कैसा रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर।